मध्य प्रदेश के उज्जैन के 16 साल के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में वैसे तो हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, आप पूरी तस्दीक से देखिएगा। दुर्लभ कश्यप कौन था उसके बारे में आपको हर वो जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलेगा उसमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज जो जानकारी हम दुर्लभ कश्यप के बारे में लेकर आए हैं वो जानकारी किसी भी चैनल के पास नहीं होगी। आज हम आपको दुर्लभ कश्यप के उस दोस्त के बारे में बताएंगे जो दोस्त दुर्लभ कश्यप के साथ जीने मरने की कस्में खाता था। दुर्लभ कश्यप की जिस रात मौत हुई थी वो दोस्त भी उसी रात इस दुनिया से रुखसत हो गया था। दुर्लभ कश्यप के उस दोस्त की उसी रात ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। ये हत्या थी या फिर दुर्घटना इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन दुर्लभ कश्यप का जिगरी दोस्त उसके साथ हर अपराध में साथ रहता था उस दिन इस दुनिया से रुखसत हुआ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 16 साल का लड़का बनने चला था सिकंदर, दुनिया जीतना था उसे। दुनिया तो नहीं जीत पाया लेकिन दुनिया से रुखसत होने के बाद इसी दुनिया में मशहूर हो गया। नाम दुर्लभ कश्यप, उम्र 16 साल, पेशा अपराध। 16 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप ने पूरे उज्जैन शहर में अपना खौफ फैला रखा था। उज्जैन शहर में शांति अशांति में तब्दील हो चुकी थी और 2020 के सितंबर महीने में सिकंदर की तरह दुनिया जीतने की राह पर चल रहा दुर्लभ कश्यप एक गैंगवार में मारा जाता है। शहनवाज नाम का एक व्यक्ति अपने पूरे टीम के साथ दुर्लभ कश्यप को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन आज हम दुर्लभ कश्यप के जिस दोस्त के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम था नीलेश ठाकुर। नीलेश ठाकुर कौन था जो दुर्लभ कश्यप के साथ हमेशा उसके साथ रहा करता था, उसके हर जुर्म में, हर अच्छे काम में, हर सुख दुख में दुर्लभ के साथ रहता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस रात दुर्लभ कश्यप की मौत हुई उस रात नीलेश ठाकुर उसके साथ नहीं था। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के साथ अगर नीलेश ठाकुर मौजूद होता तो शहनवाज दुर्लभ कश्यप को नहीं मार पाता। लेकिन दुर्लभ कश्यप इधर हेल्लाबाड़ी इलाके में मारा जाता है और उधर इंदौर रोड पर उसका दोस्त नीलेश ठाकुर। इन दोनों की मौत में क्या समानता है इस बात की जांच चल रही है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन दो दोस्तों के बीच आपसी प्यार, एक बॉन्डिंग, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि दोनों ने जो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अपराध भी साथ साथ करते थे, अच्छे काम भी साथ साथ करते थे, उन सब कामों में एक साथ रहते थे। अगर उस रात दुर्लभ कश्यप के साथ नीलेश ठाकुर होता तो शायद दुर्लभ कश्यप आज इस दुनिया में जिंदा होता, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के दोस्त उस समय भाग गए थे जब शहनवाज अपने पूरे गैंग के साथ दुर्लभ कश्यप पर चाकुओं से हमला कर रहा था। नीलेश ठाकुर अगर वहां पर होता तो उन सभी लोगों से अकेले लड़ने में सक्षम होता और इससे दुर्लभ कश्यप को आत्मबल मिलता। लेकिन अफसोस, अपराध का अंजाम बुरा ही होता है। जो दुर्लभ कश्यप के साथ हुआ वही उसके दोस्त नीलेश ठाकुर के साथ हुआ। फर्क सिर्फ इतना था, दोनों में समानता ये थी कि एक की हत्या की गई और दूसरे का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ। दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप का परिवार एक साथ नहीं रहता था, उसके माता पिता किसी कारणों की वजह से अलग अलग रहते थे। बचपन में ही उसके पिता ने उसकी माँ का साथ छोड़ दिया जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ रहने लगा। लेकिन उसके पिता यही कहते हैं कि जिस दुर्लभ कश्यप के पास इतने सारे दोस्त थे उस दुर्लभ के मरने के बाद कोई भी दोस्त उसका मिट्टी उठाने तक नहीं आया। सोचिए दोस्ती कैसी होती है। यहाँ पर हम दुर्लभ कश्यप का महिमा मंडन नहीं कर रहे, लेकिन ये बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अगर आप दुर्लभ कश्यप जैसा बनना चाह रहे हैं तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि दुर्लभ कश्यप जैसों का अंत इसी तरह से होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।